आदाब, मेरा नाम देदी प्याय, मैं वेंगलराव नगर डिवीज़न का कॉरपोरेटर हूँ। बोनाल का त्यौहार का दिन जो भी हुआ, मतलब फ्लेक्सियों के बारे में, आप एमएलए मादंटी गोपीनाथ साहब के बारे में जो भी वायरल हो रहा वो पूरा गलत है। उस दिन क्या हुआ कि मेरे और गणेश सिंह के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, वो अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ बातचीत हुआ, उसी बारे में हम बात करें तो गणेश सिंह मेरे ऊपर झगड़ा किया और मेरे ऊपर आवाज़ उठा के बात किया। यही बात मैंने एमएलए मादंटी गोपीनाथ साहब को बोला, फ़ोन करके बोले तो उन्होंने वहाँ आके, क्योंकि हम एक पार्टी का आदमी है, ऐसा नहीं करना है, वो भी एक लेडी कॉर्पोरेटर के साथ ऐसा बात करना अच्छा नहीं रहता बोल के पूछने के लिए गया साहब। और मैं भी वहाँ हूँ, अगर लड़ाई करना चाह रहे तो क्यों एमएलए साहब क्यों आता, और मैं एक डिवीजन को कॉर्पोरेट हूँ, मैं क्यों जाता। हम वहाँ गया बात करने के लिए गया, वो जो भी वह बात कर रहे, मतलब साहब बात कर रहे तो उसका फादर जो भी है उन्होंने पहले कदम उठा के साहब के ऊपर मतलब दो गलत बात किया, दो गालियाँ भी दिया। वो सुन के हम बस खाली बातचीत हुआ वो हो रहे, आप सीसी फुटेज में भी वही देख सकते हैं, मतलब जो भी हो रहा वह बस खाली बातचीत करने के लिए गया, वह मारा पीटा तो कुछ भी नहीं हुआ। और उन लोग मतलब एमएलए साहब के बारे में तो बात बोले तो डकली तो हुआ, वो बस वैसी हुआ तब, मतलब मारा पीटा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा आदमी जो भी है कोई भी नहीं मारे। और सीसी फुटेज में उन लोग बोल रहे 30-40 जने आया हमारे घर को बोल के, एमएलए साहब कहाँ भी गया तो, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ भी गया तो पब्लिक ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का आदमी है, कभी भी 24/7 पब्लिक में रहते हैं एमएलए साहब। तो एमएलए साहब कोई भी गली को गया तो, वो भी कोई भी डिवीजन को गया तो भी पब्लिक ऐसे ही आके ठहरते हैं एमएलए साहब के साथ, ठहरते हैं हम सब लोग एमएलए साहब के साथ ही रहते। और वही बात साफ करने के लिए आज मीडिया के सामने आया मैंने, क्योंकि वह लड़ाई करने के लिए तो हमारा मतलब ही नहीं है, मतलब लड़ाई करने के लिए तो नहीं गया, किसी को भी मारा पीटा भी नहीं किया। पूरा गलत बात ये है, क्योंकि फ्लेक्स के ऊपर जो भी उन लोग बोल रहे, फ्लेक्स के बारे में बात किया बोल के, फ्लेक्स के बारे में कुछ भी बात नहीं किया एमएलए साहब वहाँ, क्योंकि उन लोग एक डाले तो हम 10 डालते हैं, वैसा फ्लेक्सियों के बारे में बात करने के लिए एमएलए साहब ऐसा मतलब उन लोग ऐसा क्रिएट किया कि एमएलए साहब आके उसका फ़ोटो के ऊपर और बैनर के ऊपर बात करने का चीज़ नहीं है, मतलब वो बस खाली इतना चीप पब्लिसिटी करे उन लोग मीडिया में बस वहाँ हुआ। दूसरी है मतलब जो भी मीडिया के सामने उन लोग आके बोल रहे वो अलग बात है। हाँ, मैं वहाँ हूँ, मतलब एमएलए साहब और मैं भी वहाँ मौजूद थे, और वहाँ बस वही बोल रहा हूँ मैं, हम लोग बात करने के लिए गया, मतलब कुछ लड़ाई करने के लिए जाना है तो हम और मैं और एमएलए साहब तो वहाँ नहीं जाते। गणेश सिंह जो भी आज मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी से बीआरएस पार्टी ज्वाइन किया और अभी भी बीजेपी पार्टी के साथ है, और मेरा इलेक्शन में भी बीजेपी को ही काम किया, वो भी प्रूफ्स है हमारे पास, मतलब बीजेपी को वोट डालो बोल के उन्होंने पब्लिक से बोले जैसा, मतलब पब्लिक भी मेरा हमारे आँखें बोले, क्योंकि आपका पार्टी ज्वाइन किया फिर भी उन्होंने बीजेपी को काम कर रहे हैं, और अभी भी आज भी आप देखें तो पूरा जो भी आके बात कर रहे उनसे वो बीजेपी वाले बात कर रहे हो, और जो भी वायरल कर रहे हो पूरा बीजेपी वाले कर रहे हैं। पूछा मैंने इलेक्शन से पहले क्यों तुम लोग मतलब पब्लिक का में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी आप बीजेपी का आदमी समझ के कर रहे हैं क्या, हम एक पार्टी का आदमी है, हम मिलजुल के काम करना है, जो भी है मिलजुल के करना है, क्योंकि उन लोग गणेश सिंह जो भी आज बात कर रहे, गणेश सिंह को हमारा फ्लेक्सी में डाल के आप चाहे तो मैं भी दिखा दूँ, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स हुआ गणेश सिंह को हमारा फ्लेक्सी में भी उसका फ़ोटो डाल के फ्लेक्सी बनते थे, और वो भी वही बात मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा फ़ोटो तो हमारा फ्लेक्सी में डाल के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और हमारा जो भी प्रोग्राम्स है उन लोगों को भी बुला रहे हैं, हमारा आदमी समझ के, फिर भी उन लोग बीजेपी वाले समझ के उसका दिल में अभी भी बीजेपी का वो है, इसलिए उन लोग अलग डाल के मतलब फ्लेक्सिया अलग डाल के ऐसा कर रहे पूरा काम, मतलब वही पूछा मैंने क्यों ऐसा करने का वजह क्या है, इलेक्शन से पहले करने का वजह क्या है, हम एक पार्टी का है जो भी है मिलजुल के काम करना बोल के बोले।